हेलो फ्रेंड्स, टेक कोड में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम है हमारी। यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल टू। हमें बताना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करने बैठते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको हो तो जाएगा, आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड इसको सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें पूरे 2 या 3 मिनट खर्च करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 है, ये आपकी एक यूनिक नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ये आपका एक नंबर है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ये पूरा नंबर आपको याद रखना है कि एक ये इस तरीके का नंबर है, एक यूनिक नंबर है ये। ये जो नंबर है, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 के फैक्टर से, तो ये क्या देता है वो देख लेते हैं। तो ये आपका यूनिक नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। इसकी जब मल्टीप्लाई होगी 9 से, मतलब कि ये 9 का फैक्टर है, 9 × 9, तो ये 9 का आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया, तो ये यहाँ पर देगा 3, 1, 3, 1, 3, 1, मतलब कि 9 1s आपको मिलेंगे। उसके बाद इसी नंबर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये देगा 2, 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
उसके बाद जब आप इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड फैक्टर से 9 के मींस 27 से, तो ये देगा आपको 333333333. नेक्स्ट अगर हम देखें, ये अब आप मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर को 36 से, तो आपको ये मिल जाएगा 49 टाइम्स. फिर आप इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट फैक्टर से जो कि है 45, तो ये आपको मिल जाता है 59 टाइम्स. नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगले फैक्टर से सेम नंबर को 54, तो आपको मिल जाएगा 69 टाइम्स. उसके बाद अगर आप इसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 63 से, तो आपको मिल जाएगा 79 टाइम्स. नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, तो आप देख सकते हैं 72 कितनी बार जाता है 9 में, 9 8 72, तो मतलब कि 8 जो है वो 9 टाइम आएगा. उसके बाद अगर आप इसी सेम नंबर को नेक्स्ट जो फैक्टर है 9 का मतलब कि 81 उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 जो है वो 9 टाइम्स आ जाएगा. तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसी नंबर को, इस यूनिक नंबर को हम जब 9 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे क्या क्या आंसर आ रहे हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम में था कि ये जो यूनिक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 9, इसको मल्टीप्लाई करना था 72 से. तो 72 जो है वो 9 का कितनी बार जा फैक्टर मिलता है हमें, 9 8 जा 72, तो मतलब कि 8 जो है वो 9 टाइम्स आएगा. तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 9 टाइम्स आएगा वो ही इसका आंसर होगा. ओके, तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया और ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.